हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ चार पांच टॉपिक हैं जो हमारे साइंस टेक के करंट अफेयर्स में है। तो हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है लीडार। सर, तो ये गूगल ने बनाया है और गूगल ने एक केस फाइल किया है उबर के खिलाफ कि गूगल की जो लीडार की टेक्नोलॉजी है ये हमारे उबर ने चुरा लिया है। तो सर, जो हमारी लीडार एक टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या करेंगे सर कि लेज़र, स्कैनर और GPS का यूज़ करके हम 3D फिगर बनाएंगे। ओके, तो देखिए, आपको पता होगा कि अभी आपको ड्राइवरलेस कार आ रही है, तो इसमें लेडार टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेज़र यूज़ करेंगे, स्कैनर यूज़ करेंगे, GPS की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि हम उसको रेंजिंग कर सकें, कुछ डिस्टेंस जो है वो रेंज कर सके कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक हमारी फिगर लगी हुई है जिसमें कार है और कार में चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मेन है, उसके बाद एक छोटा छोटा आपका इस तरह का गोरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेडार की कमाल है कि यहाँ पे हमारा एक कार है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये रेंजिंग कर रहा है कि इतने रेंज में ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि एक हमारी एरोप्लेन है, वो लिडार की पल्स नीचे की तरफ इमिट कर रही है, तो उससे क्या कर रही है कि ऑब्जेक्ट की इमेजिंग कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या है, टेक्नोलॉजी है जो लिडार, ये बहुत उपयोगी है हमारे लिए। अब देखिए, यहाँ पे इंफ्रा रेड यूज़ करेंगे, रेडियो वेव्स यूज़ नहीं करेंगे और इसे 2D इमेज नहीं, 3D इमेज भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 3D इमेज भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सर कि ये हमारा सैटेलाइट में आप यूज़ करिए, ग्राउंड से यूज़ करिए, एरोप्लेन से यूज़ करिए, कार में यूज़ करिए, हर जगह ये यूज़फुल होगी। तो आपके बारे में ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, देखते हैं इंडिया के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, कहाँ कहाँ पर इंडिया के लिए उपयोगी हो सकता है। तो सर देखिए, पहला उपयोगिता हमारी आ रही है अर्बन प्लानिंग में। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इंडिया और एशिया और पैसिफिक का जो रीज़न है, इस रीज़न में ग्रेटर देन 55% जो लोग हैं ये अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो बहुत सारी ट्रीटी हमारी इस पर हुई है कि जो अर्बन एरिया में हमारे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो उसमें ये बहुत सारा काम आ सकता है अर्बन की प्लानिंग के लिए, ताकि देख सकते हैं कि रोड पर कितना ट्रैफिक है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है, तो उस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सर कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हमारा ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो हम लिडार का यूज़ करके देख सकते हैं कितना हमारा कोस्टल एरिया वहाँ सबमर्ज हुआ है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए काम किया जा सकता है, सेलुलर मोबाइल फ़ोन की नेटवर्किंग में काम किया जा सकता है, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए किया जा सकता है ताकि आप देखें कि कितना फॉरेस्ट है हमारा। जैसे मैंग्रोव्स हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंग्रोव्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि सर ये 5 गुना ज़्यादा कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करती है एज़ कम्पेयर टू कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मैंग्रोव्स। ओके, अब देखिए सर यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कितना हो रहा है, फ्लड की मैपिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जो आप बता दिया अर्बन में ट्रांसपोर्ट की कैसे प्लानिंग करेंगे, उसके बाद एटमॉस्फेयर में रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। तो लिडार हमारे लिए इतना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। सर अगला हमारा टॉपिक है ये है रिपटाइड। सर रिपटाइड मतलब ये है कि सर ये क्या होता है कि ये टाइड होती है, बेसिकली टाइड नहीं होती है, मिसनोमर होती है टाइड की, आपको लगता है कि टाइड आ गई लेकिन ये टाइड नहीं होती है। तो सर कैसे आता है, ये पावरफुल करेंट्स होती है हमारे ओशन में, ये क्या करती हैं कि बहुत तेज़ी से हमारे शोर लाइन की तरफ आती हैं और वहाँ पे जो सैंड बार्स हैं और शोर लाइन है उनसे टकराती है और परपेंडिकुलर मूव करती है, ठीक है। एक पावरफुल करेंट होती है, ठीक है, ये आती है सैंड बार और जो शोर लाइन से टकराती है उसके परपेंडिकुलर मूव करते हुए और बहुत तेज़ी से जो पानी आया है ये समंदर के अंदर जाता है, जो पानी आया है ये समंदर के बहुत तेज़ी से अंदर जाता है। तो जो यहाँ पे स्विमर हैं, जितने यहाँ पे स्विमर रहते हैं, इनको ले जाकर अंदर डुबा देती है समंदर के अंदर, ठीक है, गहरे समुद्र में लेके चली जाती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिप टाइड बोलते हैं, लेकिन ये टाइड नहीं है, ये मिजनेमर है उसका,
ठीक है। तो सर इसमें हमारा वर्ड आ रहा है कि टाइड। सर टाइड क्यों आती है? टाइड जो आती है ये ग्रेविटेशनल पुल जो हमारा होता है अर्थ का, मून का और सन का, इसकी वजह से हमारी टाइड्स आती हैं। तो सर आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किसका हमारा इफेक्ट लगता है टाइड आने के लिए? सबसे ज़्यादा इफेक्ट सर सन का लगेगा कि मून का लगेगा? सोच के बताओ आप। सर मून का लगेगा। मून का क्यों लगेगा? क्योंकि चंदा मामा बहुत किनारे हैं, ये हमारे अर्थ की सैटेलाइट है मून, तो हमारे बहुत पास में होने के कारण मून का, इनका ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता है एज़ कम्पेयर टू कि सन, ठीक है। इस वजह से हमारी क्या आती है? टाइड्स आती हैं। तो सर ये डेंजरस होती है और स्विमर को डुबा देती है। ये रहा बात हमारी रिपटाइड की। सर अगला टॉपिक आता है कि हम सोयाबीन से क्या कर रहे हैं? ग्रेफीन बना रहे हैं। सर ग्रेफीन क्या होता है ना कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, और ये कार्बन का एलोट्रोप्स है, ठीक है। ग्रेफीन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, किससे बनाएंगे? सोयाबीन से बनाएंगे, और ये कार्बन का एलोट्रोप्स है, 2D स्ट्रक्चर में होता है, और हेक्सागोनल इसका लैटिस होता है, 2D स्ट्रक्चर हेक्सागोनल लैटिस होता है। सर देखिए स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, और हमारे यहाँ एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम और कॉपर में यदि कंडक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, आप बताइए किसी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एल्युमिनियम की कॉपर की? सर कॉपर की ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, कॉपर की कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है, और ग्रेफीन की कंडक्टिविटी हमारी कॉपर से ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं? तो एल्युमिनियम, कॉपर और ग्रेफीन, ठीक है, इस तरह से कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है, ग्रेफीन की ज़्यादा, फिर कॉपर की, फिर एल्युमिनियम की, सर ओके। और ये नियरली ट्रांसपेरेंट होती है, ओके। अब देखिए ग्रेफीन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं सर, पहली बात तो देखिए आप कंडक्टिविटी में कर ही सकते हैं ग्रेफीन का यूज़, और यही नहीं पेंट में कर सकते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल में कर सकते हैं, कैपेसिटर में कर सकते हैं, इंक में कर सकते हैं, 3D प्रिंटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। सर अगला टॉपिक ये आ रहा है कि क्लाउड सीडिंग। सर क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि देखिए बात ये है कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है, यहाँ पे वर्ल्ड की जितने भी क्लाइमेट है वो सारा मिलता है, टुंड्रा, टैगा, उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिजिटल फॉरेस्ट, सारे तरह के हमारे क्लाइमेट मिलते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा महाराष्ट्र रीजन है और उसमें एक रीजन जो है विदर्भा रीजन, ठीक है, वो रीजन जो होता है हमारा लीवर्ड साइड में आता है। लीवर्ड साइड में आने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, जो भी हमारा मानसून आएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून आएगा, और मान लीजिए विदर्भा रीजन हमारा, मान लीजिए यहाँ पे है, ये हमारा रीजन विदर्भा है और हमारा VA वेस्टर्न घाट है, तो क्या होगा कि जब भी हमारा साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो हमारा ये जिस तरह से हमारी हवा आएगी साउथ वेस्ट की, जिस डायरेक्शन से ये हवा आएगी इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा विंड वर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी इस जगह पे, अब पहाड़ियाँ होने के कारण बारिश यहीं पे हो जाएगी, पहाड़ी रोक लेगी और बारिश यहाँ पे हो जाएगी, और इस पहाड़ी के जो पीछे का रीज़न होगा उसको क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड। तो सर महाराष्ट्र का जो विदर्भा रीजन है ये लीवर्ड साइड में पड़ता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती है, और बारिश नहीं होने के कारण क्या होता है? रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो आपका एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होगा, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होगा तो हमारा इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हमारा सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्लाउड सीडिंग कर रही है। सर क्लाउड सीडिंग क्या होती है? सर बात यह है कि जब पानी वेपर बन के अर्थ से ट्रोपोस्फेयर में जाता है तो उसको क्लाउड बनने के लिए, ठीक है, और क्लाउड में छोटी छोटी बूंदें बनने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे धूल के कण, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई CO2। ये क्या होता है, जैसे आप देखते हैं आप कभी कभी लड्डू बनता है ना, लड्डू का है या आप रसगुल्ला का है, तो उसके बीच में क्या होता है कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें पूरी चीज़ें टिकी होती हैं, ओके, रसगुल्ले में या किसी चीज़ में, कि छोटी सी जगह पे क्या होगा कि वो टिकी रहेगी पूरा, उसके चारों तरफ रहेगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी को क्या करते हैं कि सीडिंग करने के लिए हम काम करते हैं, ये हमारा ये क्या होता है, इसको इससे हम क्लाउड सीडिंग करते हैं, ताकि ये ऑब्जेक्ट दे देंगे तो वहाँ क्लाउड सीडिंग होगी, क्लाउड सीडिंग होने से क्या होगी वहाँ पे बारिश हो सकती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसी के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विदर्भा रीजन में यही चीज़ क्लाउड सीडिंग करने के लिए 3 साल का प्रोग्राम चलाया है, ताकि वहाँ पे बारिश हो सके,
ठीक है सर। तो क्लाउड सीडिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और जो आपका ये पॉइंट है ना बीच वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, क्लाउड न्यूक्लियाई होता है। अब सर देखिए क्या होता है कि आप जो क्लाउड सीडिंग करेंगे उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्राई आइस भी बोलते हैं इसको। अब क्या होता है सर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि यहाँ पे बारिश हो जाए। लेकिन जैसे ही ये क्लाउड सीडिंग करते हैं, किस तरह से करेंगे सर, एरोप्लेन में ले जाएंगे सिल्वर डाइऑक्साइड को भरकर, पोटेशियम आयोडाइड को भरकर, और वहाँ छोड़ देंगे, या जमीन से कुछ ऐसा प्रेशर डालकर इसको आसमान में भेज देंगे। दो तरीका है हमारा क्लाउड सीडिंग करने के लिए। तो सर क्या होगा, जैसे ही ये क्लाउड सीडिंग होती है, और हमारा जो देखा गया है ट्रेंड कि जहाँ पे हमें बारिश करानी होती है वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ से बारिश थोड़ी दूर पे चली जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है, हमारी क्लाउड सीडिंग करने का रिजल्ट आता है। और सर इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल हमारा लॉस भी होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में एक हमारा हार्मफुल केमिकल स्प्रेड कर रहे हैं। इसके बाद सर क्या होता है कि इसको जब प्रॉपरली आपने कंट्रोल नहीं किया ना, तो हमारा क्या होगा, फ्लडिंग हो जाएगी और स्टॉर्म आ जाएंगे। और इसके बाद लास्टली ये है सर कि बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है। अब सर देखिए, इंडिया गवर्नमेंट के अंदर एक हमारी रेगुलेटरी है जिसका नाम तराई है। तराई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने बोला है कि जो देखिए हमारी जो टीवी चलती है, जो भी हमारा टेलीविज़न चलता है, इसमें दो तरह का हमारा मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, सिग्नल भेजने का, एक एनालॉग होता है और दूसरा हमारा डिजिटल होता है। तो सर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे एक आपका ट्रांसमीटर होगा और यहाँ पे आपका एक रिसीवर होगा, और बीच में जो हमारा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे चैनल्स होते हैं। तो जब हम एनालॉग सिग्नल को भेजते हैं तो चैनल में केवल एक बार में एक ही सिग्नल जा पाता है, लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि एक बार में 10 से ज़्यादा चैनल आप एयर कर सकते हैं। तो इसीलिए तराई ने कहा है कि जो एनालॉग जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है टेलीविज़न के लिए, इसको हम 2023 तक फेज आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यही बात हो रही है एनालॉग और डिजिटल की। तो थोड़ा हम देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़ायदा हो रहा है, डिजिटल में हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा एज कम्पेयर टू कि एनालॉग, ठीक है। तो देखिए सर बात ये हो कि बहुत सारे, देखिए अब एक चैनल जा रहा था हमारा एनालॉग से, और हम डिजिटल में क्या कर सकते हैं कि 10 चैनल भेज सकते हैं। तो अभी तक जो भी एयर हो रहा था और जो भी हमारा स्पेस बेचा जा रहा था हमारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ओके, जो भी आप बैंडविथ बेची जा रही थी, तो उसमें एक बैंडविथ का पैसा मिल रहा था। लेकिन अभी क्या करूँगा कि 10 बैंडविथ का पैसा मिलेगा तो पैसा ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट के पास, तो जो 9 चैनल का हमारा पैसा आएगा या 8 चैनल का, उसको वेलफेयर स्कीम में लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या है कि सर जो सिग्नल भेजने के लिए भी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनालॉग में सिग्नल भेजने के लिए हमारा ज़्यादा पावर यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कि मैं जो डिजिटल में सिग्नल भेज रहा हूँ, ओके। ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद क्या है सर कि यहाँ पे डिजिटल में आपकी जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी मिलेगी, इसमें फ्री चैनल चला सकते हैं, एजुकेशन के लिए चला सकते हैं, रिसर्च के लिए चला सकते हैं चैनल्स। तो ये हमारा डिजिटल का फ़ायदा होगा, ओके। और हमारा जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है उसको भी ये बूस्ट करेगा। तो ये सारे फ़ायदे हमारे आ रहे हैं डिजिटल और एनालॉग में। तो ये रहा कुछ बातें हमारी साइंस टेक से रिलेटेड। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।